नेक्स्ट है विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की लीड करती है टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कर्वी जो कैरेक्टराइज होती है प्रिंसिपली बाय द बोन डिजीज ग्रोइंग चिल्ड्रंस में और हेमरेजेस और हीलिंग डिफेक्ट्स होते हैं चिल्ड्रंस में भी और एडल्ट्स में. सेलर्स ब्रिटिश रॉयल नेवी के निकनेम हुए लाइमीज क्योंकि एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में नेवी बिगिन टू प्रोवाइड लाइम एंड लेमन जूस टू देम टू प्रिवेंट द स्कर्वी ड्यूरिंग देयर लॉन्ग सोजॉर्न्स एट द सी. It was not until 1932 that the ascorbic acid was identified and synthesized. Unlike the vitamin D, ascorbic acid synthesis नहीं होता है endogenously humans में, इसीलिए entirely dependent है diet पे इसकी nutrient के लिए. Vitamin C जो दूध में होता है और कुछ animal products में, liver में, fish में, ये abundant है in variety of the fruits and vegetables में. लेकिन most restricted diet provide करती है adequate amount of vitamin C. Function ascorbic acid जो है variety of the biosynthetic pathway में बाय एसेलेरेट एक्ट करता है बाय एसेलेरेटिंग द हाइड्रोक्सिलेशन को और एमिडेशन रिएक्शंस को. द मोस्ट क्लियरली एस्टेब्लिश्ड फंक्शन विटामिन सी का है एक्टिवेशन प्रोलाइल एंड लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज फ्रॉम द इनएक्टिव प्रीकर्सर अलोइंग फॉर द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोकोलेजन. इनएडिक्वेटली हाइड्रोक्सिलेटेड जो प्रोकोलेजन है वो एक्वायर नहीं कर पाता स्टेबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन या फिर एडिक्वेटली क्रॉस लिंक नहीं हो पाता, तो इसीलिए ये पुअरली सिक्रीट होता है फ्रॉम द फाइब्रोब्लास्ट. वो कोलेजन मॉलिक्यूल्स जो सिक्रीटेड होते हैं लैक करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन. कोलेजन जो नॉर्मली उसको हाइएस्ट कंटेंट होता है हाइड्रोक्सी प्रोलिन का, ये ज़्यादा अफेक्ट होता है बाय पार्टिकुलरली ब्लड वेसल्स में अकाउंटिंग फॉर द प्री डिस्पोजिशन टू द हेमरेजेस जो होते हैं स्कर्वी में. इन एडिशन टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी सप्रेस करती है सिंथेसिस कोलेजन पॉलीपेप्टाइड्स की इंडिपेंडेंट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेशन, यानी पेप्टाइड्स भी इनएडिक्वेटली सिंथेसाइज होते हैं. विटामिन सी का एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये इंक्लूड करती है इसकी एबिलिटी टू स्केवेंज द फ्री रेडिकल डायरेक्टली एंड पार्टिसिपेट करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो रीजनरेट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म ऑफ विटामिन ई को. अब देखते हैं डेफिशिएंसी स्टेट. देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द विटामिन सी डेफिशिएंसी इल्यूस्ट्रेटेड हैं 8.22 में. मेजर कॉन्सिक्वेंसेज इम्पेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन के कॉज्ड बाय द विटामिन सी डेफिशिएंसी, पुअर ब्लड वेसल सपोर्ट के नतीजे में ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी गम्स, देखिए स्किन, पेरियोस्टियम और जॉइंट्स से. अदर इफेक्ट्स में ऑस्टियोब्लास्ट हैं या ऑस्टियोइड मैट्रिक्स और ऑस्टियोसाइट्स हैं, तो इनएडिक्वेट सिंथेसिस हो रही है ऑस्टियोइड की और यहाँ पे इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग. अब देखते हैं डेफिशिएंसी स्टेट. देखिए कॉन्सिक्वेंसेस विटामिन सी के डेफिशिएंसीज के हमने देखे फॉर्चुनेटली क्योंकि एबंडेंस है एस्कॉर्बिक एसिड की फूड में स्कर्वी जो है सीज होगी ग्लोबल प्रॉब्लम, तो इट इज़ समटाइम इनकाउंटर्ड इन द एफ्लुएंट पॉपुलेशन में एज अ सेकेंडरी डेफिशिएंसी पार्टिकुलरली अमंग द एल्डरली पर्सन में जो रहते हैं अलोन और क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में. ऑफन ग्रुप से ऑफन कैरेक्टराइज होती है बाय इरेटिक एंड इनएडिक्वेट ईटिंग पैटर्न से. ओकेजनली स्कर्वी अपीयर होती है इन पेशेंट्स अंडरगोइंग द पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस एंड अमंग द फूड फैडिस्ट में. फिर है टॉक्सिसिटी. देखिए पॉपुलर नोशन दैट मेगा डोज विटामिन सी का प्रोटेक्ट करेगा कॉमन कोल्ड से या एटलीस्ट अले द सिम्टम दैट हैज नॉट बीन बोर्न आउट ऑफ कंट्रोल क्लिनिकल स्टडीज. इस तरह के स्लाइट रिलीफ जो है एक्सपीरियंस होते हैं प्रोबेबली इज अ रिजल्ट ऑफ माइल्ड एंटी हिस्टामिन एक्शन होता है अस्कॉर्बिक एसिड का. लार्ज एक्सेस विटामिन सी का प्रॉम्प्टली एक्सक्रीट होता है यूरिन में, लेकिन यूरिकोज यूरिया करवा सकता है और इंक्रीज कर सकता है अब्जॉर्प्शन आयरन की जो कि पोटेंशियल है फॉर आयरन ओवरलोड. अदर विटामिन्स और कुछ एसेंशियल मिनरल्स लिस्टेड हैं और ब्रीफली डिस्क्राइब है 8.9 और 8.10 में. फॉलिक एसिड और विटामिन B12 चैप्टर 12 में देखेंगे. 8.9 में देखिए विटामिन्स और मेजर फंक्शन उनकी डेफिशिएंसी सिंड्रोम. फैट सोलबल विटामिन ए है, उसका क्या फंक्शन है, कंपोनेंट विजुअल पिगमेंट का, मेंटेनेंस करता है स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया की और मेंटेनेंस करता है रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन. तो डेफिशिएंसी से क्या होगा, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, तो वल्नरेबिलिटी होगी इन्फेक्शन को मीजल्स वगैरह स्पेशली, और मेंटेनेंस स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया की करता है तो उसको हमस मेटाप्लेजिया हो जाएगा अगर डेफिशिएंसी होगी तो, और कंपोनेंट विजुअल पिगमेंट का है ना होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस, जीरो पिथेलमिया और ब्लाइंडनेस. विटामिन डी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस की और बोन्स को मिनरलाइज करता है. नहीं होगा तो बच्चों में रिकेट्स होगा, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होगी. विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है और फ्री रेडिकल्स को स्केवेंज करता है. नहीं होगा तो स्पाइनोसेरिबेलर डिजेनरेशन होगी विटामिन ई ना होने की वजह से. विटामिन के को फैक्टर है इन द हेपेटिक कार्बोक्सिलेशन ऑफ प्रोकोगुलिन 2 प्रोथ्रोम्बिन 7, 9, 10 एंड प्रोटीन सी एंड एस. ये नहीं होंगे तो ब्लीडिंग डायस्थेसिस होगी. नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स.
वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन B1 है जो कि थायमिन है, ये एज पायरोफोस्फेट ये कोएंजाइम होता है डी कार्बोक्सिलेशन वाले रिएक्शन में, अगर ये ना होगा तो ड्राई एंड वेट बेरी बेरी हो जाएगी, वर्निकी सिंड्रोम होगा या कोर्साकोफ सिंड्रोम कोई भी हो सकता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, ये राइबोफ्लेविन कन्वर्ट कोएंजाइम में होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड में और फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में, और ये कोफैक्टर होता है मेनी एंजाइम्स के लिए इन द इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म। अगर B2 यानी राइबोफ्लेविन ना हो तो चिलियोसिस, स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, डर्माटाइटिस और कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन हो सकती है। नेक्स्ट है नायासिन। नायासिन जो इनकॉर्पोरेट होता है इनटू द निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD में और NAD फॉस्फेट में, ये इन्वॉल्व होता है वैरायटी ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस में। अगर ये ना हो तो पेलेग्रा, द 3 डीज, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस और डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो सर्व करते हैं कोएंजाइम की तरह इन मेनी इंटरमीडिएटरी रिएक्शंस, और चिलियोसिस, ग्लोसाइटिस, डर्माटाइटिस और पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा सकता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। B12 जो है ये नॉर्मल फोलेट मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होता है DNA सिंथेसिस के लिए, ये माइलिनाइजेशन स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्स की करवाता है, उसकी मेंटेनेंस कराता है माइलिनाइजेशन की मेंस। अगर ये ना हो तो कंबाइंड सिस्टम डिजीज़ होगी, मेगालोप्लास्टिक एनीमिया, डीजेनरेशन होगी पोस्टेरो लेटरल स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्स की, और विटामिन सी से क्या होगा स्कर्वी होगी, ये करता क्या है रेडॉक्स रिएक्शन पे और हाइड्रोक्सिलेशन कराता है कोलेजन की। फोलेट है नेक्स्ट, वो एसेंशियल होता है ट्रांसफर एंड यूज़ ऑफ 1 कार्बन यूनिट इन द DNA सिंथेसिस, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करा सकता है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। नेक्स्ट है पेंटोथेनिक एसिड, ये इनकॉर्पोरेट होता है इन द कोएंजाइम A और इसकी डिफिशियंसी से नो नोन एक्सपेरिमेंटल सिंड्रोम रिकॉग्नाइज्ड। बायोटिन से क्या होगा, कोफैक्टर है ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, नो क्लियरली डिफाइंड क्लिनिकल सिंड्रोम। नेक्स्ट टेबल है इसमें जिंक है, जिंक जो है वो कंपोनेंट होता है एंजाइम्स का प्रिंसिपली ऑक्सीडेजेस का, इसकी जो बेसिस है डेफिशिएंसी की उसमें इनएडिक्वेट सप्लीमेंटेशन हो जाती है आर्टिफिशियल डाइट्स में, इंटरफेरेंस विद द अब्जॉर्प्शन बाय द अदर डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है या कोई इनबॉर्न एरर हो सकता है मेटाबॉलिज्म का। इसमें फीचर ये होते हैं कि आइस के अराउंड रैश हो जाती है, माउथ के अराउंड, नोज, एनस, जिसको एक्रोडर्माटाइटस एंटेरोपैथिका कहा जाता है। इसके अलावा इसमें एनोरेक्सिया और डायरिया होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन बच्चों में हो जाती है, इसकी डिफिशेंसी से डिप्रेस मेंटल फंक्शन होता है, वूंड हीलिंग और इम्यून रिस्पॉन्स डिप्रेस होता है और नाइट विजन इम्पेयर होती है, इनफर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन एसेंशियल कंपोनेंट हीमोग्लोबिन का है एज वेल एज आयरन कंटेनिंग मेटालो एंजाइम्स का, इनएडिक्वेट डाइट या क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से डिफिशियंसी होती है और हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है। आयोडीन थायराइड का कंपोनेंट है, हार्मोन का इनएडिक्वेट सप्लाई फूड और वाटर में होगी तभी इसकी डिफिशियंसी होगी और गोइटर या हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। कॉपर साइटोक्रोम सी का कंपोनेंट है और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिनेज का, लाइसिल ऑक्सीडेज का जो कि क्रॉस लिंकिंग इन द कोलेजन में इन्वॉल्व होता है। इनएडिक्वेट सप्लीमेंटेशन या आर्टिफिशियल डाइट की वजह से एंटीफे अब्जॉर्प्शन में होता है मसला तब डेफिशिएंसी होती है, तो ये मसल वीकनेस कोपर करवाता है, न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट कराता है और एबनॉर्मल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। फ्लोराइड रिप्लेस करता है कैल्शियम को ड्यूरिंग द रीमिनरलाइजेशन ऑफ द टीथ प्रोड्यूसिंग फ्लोरोएपेटाइड जो कि ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है टू द एसिड फ्लोरोएपेटाइड, और अब ये डेंटल कैरीज करवा देगा अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी कैसे होगी, इनएडिक्वेट सप्लाई सोइल या वाटर में, इनएडिक्वेट सप्लीमेंटेशन। और सिलीनियम कैसे, सिलीनियम जो है कंपोनेंट होता है GSH परोक्सीडेज का और एंटीऑक्सीडेंट होता है विद विटामिन ई, इसकी डेफिशिएंसी से जो है मायोपैथी और कार्डियोमायोपैथी यानी किशन्स रिलीज होगी, इनएडिक्वेट अमाउंट होती है सॉइल में और वाटर में, इसी वजह से इसकी डेफिशिएंसी होगी। अब हम इसके समरी देख लेते हैं। हमने न्यूट्रिशनल डिजीज़ पढ़ी, हमने प्राइमरी SAM का पढ़ी जो कि कॉमन है कॉज ऑफ द चाइल्डहुड डेथ इन द पुअर कंट्रीज, 2 प्राइमरी SAM सिंड्रोम हमने कहा मरेसमस और क्वाशरकोर। सेकेंडरी SAM फिर हमने कहा कि क्रोनिकली इल और पेशेंट्स में विद एडवांस कैंसर में होता है एज ए रिजल्ट ऑफ कैचेक्सिया। फिर हमने क्वाशरकोर को कहा कि ये हाइपो एल्बुमिनीमिया से कैरेक्टराइज होती है, जनरलाइज एडिमा, फैटी लिवर, स्किन चेंजेस और डिफेक्ट्स होते हैं इसमें इम्यूनिटी में, ये लो डाइट्स जो कि लो होती है प्रोटीन में लेकिन नॉर्मल कैलोरीज की वजह से होती है। मरेसमस पर हमने कहा इमेसिएशन कैरेक्टराइज बाय इमेसिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस ऑफ मसल मास और फैट विथ रिलेटिव प्रिजर्वेशन ऑफ सीरम एल्बुमिन, इट इज़ कॉज्ड बाय डाइट्स सिवियरली लैकिंग इन द कैलोरीज बोथ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये सेल्फ इंड्यूस्ड स्टारवेशन है और ये कैरेक्टराइज होती है बाय एमिनोरिया और मल्टीपल मैनिफेस्टेशन लो थायरॉयड हार्मोन लेवल की, बुलीमिया कंडीशन है जो कि जिसमें बिंज अल्टरनेट होते हैं विथ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। विटामिन ए और डी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ रखते हैं, विटामिन सी मेंबर है ऑफ द बी फैमिली और ये वाटर सोल्यूबल है, इसकी डेफिशिएंसी सिंड्रोम और इन विटामिन के फंक्शन हमने पढ़ लिए। ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या है, एक्सेस एडिपोसिटी ओबेसिटी और एक्सेस बॉडी वेट
एसोसिएटेड है विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ सेवरल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ह्यूमंस में, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाती है, डिसलिपिडीमियाज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर। ये मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और ये इमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम है डेवलपिंग नेशंस में जैसे इंडिया में। US में ओबेसिटी रीच कर गए ये एपिडेमिक प्रोपोर्शंस। प्रिवेलेंस ओबेसिटी का बढ़ा 13% से 34% बिटवीन 1960 एंड 2008, एंड एज ऑफ 2015 68.6 अमेरिकन बिटवीन 20 एंड 75 ईयर्स की एज के ओवरवेट थे, एज वर्स 17% ऑफ द चिल्ड्रन। ग्लोबली WHO ने एस्टिमेट किया कि 2015 में 700 मिलियन एडल्ट ओबेस थे। कॉज इस एपिडेमिक का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अनडाउटली रिलेटेड टू सोसाइटिकल changes in the diet and level of physical activity. Obesity defined हुई as a state of increased body weight जो cause होता है by adipose tissue के accumulation से, that is of sufficient magnitude to produce the adverse health effects. How does one measure fat accumulation? Several high-tech methods भी devised हुए हैं for the practical purpose. The body mass index BMI most commonly use किया जाता है। Body mass index weight in the kilogram, height in the meter square या फिर kg meter square। BMI क्लोजली correlate होता है with body weight। BMI range में है 18.5 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर नॉर्मल कंसीडर होता है, जबकि BMI बिटवीन द 25 एंड 30 आइडेंटिफाई होता है ओवर, और BMI ग्रेटर देन 30 ओबीस। ये जनरली एग्री हुआ है कि BMI ज़्यादा 30 से इम्पैक्ट करता है हेल्थ रिस्क। फॉलोइंग डिस्कशन में सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए टर्म ओबेसिटी अप्लाई हुई है टू बोथ द ओवरवेट एंड द ट्रूली ओबीस। अनटोवर्ड इफेक्ट ओबेसिटी के रिलेटेड है नॉट ओनली टू द टोटल बॉडी वेट बट आल्सो टू द डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर्ड फैट का। सेंट्रल या जो विसरल ओबेसिटी होती है, जिसमें फैट एक्यूमुलेट करता है ट्रंक में और एब्डोमिनल कैविटी में इन द मेसेंट्री एंड अराउंड द विसरा, ये एसोसिएटेड होता है ज़्यादा रिस्क विद सेवरल डिजीजेज देन इन कंडीशन ऑफ एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द डिफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन इन द सबकुटेनियस टिश्यू। एटियोलॉजी ओबेसिटी के कॉम्प्लेक्स है और इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड है। इन्वॉल्व्ड आर द जेनेटिक, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिक फैक्टर। हाउएवर सिंपली पुट, ओबेसिटी एक डिसऑर्डर है एनर्जी बैलेंस का। टू साइड्स ऑफ द एनर्जी इक्वेशन, इनटेक और एक्सपेंडिचर फाइनली रेगुलेट होती है न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म से, तो बॉडी वेट भी मेंटेन होता है विद इन अ नैरो रेंज फॉर मेनी ईयर्स। अपेरेंटली ये फाइन बैलेंस कंट्रोल होता है इंटरनल सेट पॉइंट से या फिर लाइपोस्टेट से, दैट सेंस द क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी स्टोर यानी एडिपोज टिश्यू को सेंस करता है और अप्रोप्रिएटली रेगुलेट करता है फूड के इंटेक को एज वेल एज एनर्जी एक्सपेंडिचर को। सेवरल ओबेसिटी जीन्स भी अब आइडेंटिफाई हुए हैं एज माइट एक्सपेक्टेड, ये इनकोड करते हैं मॉलिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फिजियोलॉजिक सिस्टम जो रेगुलेट करता है एनर्जी बैलेंस को। की प्लेयर एनर्जी होम्योस्टेसिस में है LEP जीन और उसका प्रोडक्ट लेप्टिन। ये यूनिक मेंबर साइटोकाइन फैमिली का सिक्रीट होता है एडिपोसाइट से, ये रेगुलेट करता है दोनों साइड्स ऑफ द एनर्जी इक्वेशन को, इनटेक फूड का और एक्सपेंडिचर एनर्जी के को। हम बाद में देखेंगे नेट इफेक्ट लेप्टिन का है टू रिड्यूस द फूड का इंटेक एंड टू इन्हेंस द एक्सपेंडिचर एनर्जी का। ये सिंप्लीफाइड वे में हम देखें तो न्यूरोहिमोरल मैकेनिज्म जो रेगुलेट करते हैं एनर्जी बैलेंस को और बॉडी वेट को, वो डिवाइड हुए हैं 3 कंपोनेंट में। फिगर देखिए, इसमें एनर्जी बैलेंस रेगुलेटरी सर्किट्री है। जब सफिशेंट एनर्जी स्टोर होती है ना एडिपोज टिश्यू में इन द इंडिविजुअल एज इज वेल फेड, जब वो वेल फेड हो तो एफरेंट एडिपोसिटी जो सिग्नल्स हैं इंसुलिन, लेप्टिन, ग्रेलिन, पेप्टाइड वाई, ये डिलीवर होते हैं सेंट्रल न्यूरोनल प्रोसेसिंग यूनिट में इन द हाइपोथैलेमस में। यहाँ पे एडिपोसिटी सिग्नल इनहिबिट करते हैं एनाबॉलिक सर्किट्स को और एक्टिवेट करते हैं कैटाबॉलिक सर्किट्स को, ये कैटाबॉलिक सर्किट्स है। देन इन्फ्लुएंस द एनर्जी बैलेंस बाय इनहिबिटिंग द फूड इंटेक को इनहिबिट करेंगे और प्रोमोट करेंगे एनर्जी का एक्सपेंडिचर। ये इन टर्न रिड्यूस करेगा एनर्जी स्टोर को और प्रो एडिपोसिटी सिग्नल्स जो हैं वो ब्लंट होंगे। कन्वर्सली जब एनर्जी स्टोर लो होते हैं अवेलेबल एनाबॉलिक सर्किट्स टेक ओवर करेंगे एट द एक्सपेंस ऑफ द कैटाबॉलिक सर्किट टू जनरेट द एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये देखिए, ये एफरेंट सिस्टम है जिसमें ये फैट एडिपोसाइट्स एनर्जी स्टोर स्टमक में पेराइटल सेल्स, पेनक्रियाज, उसके बीटा सेल्स, इंटेस्टाइन के एल सेल्स, इसमें से PPP, YY और पेनक्रियाज से इंसुलिन, इसमें से ग्रेलिन और लेप्टिन, ये सारे एडिपोसिटी के सिग्नल्स हैं और ये जाते हैं ये कैटाबॉलिक सर्किट्स को करते हैं एक्टिवेट और एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है। और इसके अलावा ये एनाबॉलिक सर्किट्स में अगर जाएंगे तो इनहिबिट करेंगे जाके या तो एनर्जी एक्सपेंडिचर को या फिर वो फूड इंटेक को जाके जो है वो प्रमोट भी कर सकते हैं। और ये कैटाबॉलिक वाले भी फूड इंटेक को इनहिबिट करेंगे, लेकिन कैटाबॉलिक वाले जो हैं वो
प्रोमोट किसको करेंगे, एनर्जी एक्सपेंडिचर को। तो ये जो है इफरेंट है, फिर एनर्जी बैलेंस होगी और फिर वो इसको रेगुलेट करेंगे। जैसा हमने देखा जो पेरिफेरल और एफरेंट सिस्टम होता है ना, वो जनरेट करता है सिग्नल को वेरियस साइड से, जो हमने देखे। इसके मेन कंपोनेंट हमने देखा लेप्टिन है, एडिपोज टिश्यू है, सॉरी एडिपो लेप्टिन है और एडिपोनेक्टिन है जो कि फैट सेल से इंसुलिन है, और पेंक्रियास से ग्रेलिन है, स्टमक से पेप्टाइड वाई वाई है, फ्रॉम द इलियम और कॉलन से। लेप्टिन ना कम कर देता है फूड चेन टेक को, और डिस्कस हुआ है फर्दर इन द डिटेल लेटर। ग्रेलिन सिक्रीशन स्टिमुलेट करती है हमारी एपेटाइट को, और ये फंक्शन करता है मील इनिशिएटिंग सिग्नल की तरह। पेप्टाइड वाई वाई रिलीज होता है पोस्ट प्रेंडियली खाने के बाद बाय द एंडोक्राइन सेल्स इलियम में और कॉलन में, और ये सेटाइटी सिग्नल देता है। एक्यूट आर्कुएट जो न्यूक्लियस होता है हमारे हाइपोथैलेमस में, ये प्रोसेस करता है और अब इंटीग्रेट करता है, आर्कुएट न्यूक्लियस इंटीग्रेट करता है पेरिफेरल सिग्नल्स को, जनरेट करता है नए सिग्नल जो कि ट्रांसमिट होते हैं नंबर वन POMC प्रो ओपी मिलेनो कोर्टिन से, एंड कार्ट कोकेन एंड एम्फेटामिन रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्ट न्यूरॉन्स से ये सिग्नल ट्रांसमिट होंगे। फिर NPY है न्यूरोपेप्टाइड वाई, एंड AGRP अगौटी रिलेटेड पेप्टाइड न्यूरॉन्स, इनसे भी ये प्रोसेस होंगे और इंटीग्रेट होंगे पेरिफेरल सिग्नल्स। फिर इफरेंट सिस्टम है जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स का कंसिस्ट करता है, रेगुलेट होता है बाय आर्कुएट न्यूक्लियस, और ये ऑर्गेनाइज हुआ है दो पाथवे में, एनाबोलिक और कैटाबोलिक, जो कंट्रोल करता है फूड के इनटेक को, एनर्जी एक्सपेंडिचर को रिस्पेक्टिवली। POMC और जो कार्ट न्यूरॉन्स हमने देखे वो एक्टिवेट करते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स को, जो इन्हेंस करेंगे एनर्जी का एक्सपेंडिचर और वेट लॉस करवाएंगे थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि MSH अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जो हमारी इनटेक को फूड को कम करेगा, यानी इसका एनोरेक्सीजेनिक इफेक्ट है। MSH जो सिग्नल है थ्रू द मेलानोकॉर्टिन रिसेप्टर MC4R उसके ज़रिए से कम करेगा फूड के इंटेक को। बाय कंट्रास्ट NPY AGRP जो न्यूरॉन्स है ना वो एक्टिवेट करेंगे इफरेंट न्यूरॉन्स को, जो प्रमोट करें फूड के इंटेक को, इसका ओरेक्सीजेनिक इफेक्ट है, और ये वेट गेन करवाएंगे। सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय द इफरेंट न्यूरॉन्स आल्सो कम्युनिकेट करते हैं फोर ब्रेन के साथ और मिड ब्रेन सेंटर्स के साथ, जो कंट्रोल करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। डिस्कस नेक्स्ट आर द टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एफरेंट सिस्टम के, जो रेगुलेट करते हैं हमारी एपेटाइट को और हमारी सेटाइटी को, लेप्टिन और गट हार्मोन्स, एंड एडिपोनेक्टिन जो रेगुलेट करता है फैट की कंजप्शन को। सबसे पहले हम लेप्टिन को डिटेल में देखें। देखिए लेप्टिन सिक्रेट होता है हमारे फैट सेल से, और इट्स आउटपुट रेगुलेट होता है बाय एडिक्वेसी ऑफ फैट स्टोर। BMI और बॉडी फैट जो स्टोर्स है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड है लेप्टिन के साथ। जब एबंडेंट एडिपोज टिश्यू होता है उसके साथ लेप्टिन की सिक्रीशन स्टिमुलेट होती है, और हार्मोन क्रॉस करता है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को, ट्रेवल करता है हाइपोथैलेमस की तरफ, यहाँ पे ये रिड्यूस कर देता है फूड के इनटेक को। कैसे? बाय स्टिमुलेटिंग द POMC एंड कार्ट न्यूरॉन्स को, और इनहिबिट करता है NPY AGRP न्यूरॉन्स को। ये न्यूरॉन्स आप याद रखें कौन सा को स्टिमुलेट कर रहा है, POMC कार्ट को और NPY AGRP न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर रहा है। अपोजिट सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं जब इनएडिक्वेट स्टोर होते हैं हमारे बॉडी फैट के, लेप्टिन की सिक्रीशन ना डिमिनिश हो जाती है और फूड इंटेक बढ़ जाता है। इन पर्संस ऑफ स्टेबल वेट द एक्टिविटीज ऑफ दिस पाथवे बैलेंस होती है। लेप्टिन आल्सो इंक्रीज करता है हमारे एनर्जी एक्सपेंडिचर को बाय ये स्टिमुलेट करता है फिजिकल एक्टिविटी को, एनर्जी एक्सपेंडिचर और थर्मोजेनेसिस, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं जो मीडिएट होते हैं लेप्टिन से थ्रू द हाइपोथैलेमस। आल्दो इफेक्ट लेप्टिन के फूड इंटेक पे और एनर्जी एक्सपेंडिचर पे रेडिली डिमोन्स्ट्रेट हुए हैं नॉन ओबेस माइस में और ह्यूमंस में। एनोरेक्सीजेनिक रिस्पॉन्स लेप्टिन का ब्लंट हुआ है इन स्टेट्स ऑफ ओबेसिटी डिस्पाइट हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग लेप्टिन। इस तरह का लेप्टिन रेजिस्टेंस ओबेस माइस में बाईपास हुआ है बाय इंट्रा वेंट्रिकुलर इंजेक्शन ऑफ लेप्टिन। इन कीपिंग विद दिस ऑब्जर्वेशन इंजेक्शन लेप्टिन के ओबेस ह्यूमन में फेल हो गए टू अफेक्ट द फूड इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, डैशिंग इनिशियल एंथुसिएज्म ऑफ लेप्टिन थेरेपी फॉर ओबेसिटी। रोडेंट्स में और ह्यूमंस में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन अफेक्टिंग द कंपोनेंट ऑफ लेप्टिन पाथवे राइज देता है मैसिव ओबेसिटी की तरफ। माइस विथ म्यूटेशन जो डिसेबल कर दे लेप्टिन जीन को या उसके रिसेप्टर को, वो फेल करेगा टू सेंस द एडिक्वेसी ऑफ द फैट के, फैट स्टोर ज़्यादा है उसको सेंस ही नहीं करेगा, तो वो बिहेव करेगा एज इफ दे आर अंडर नरिश्ड, तो वो बहुत ज़्यादा खाएंगे, ईटिंग रेविनसली। एज इन द माइस म्यूटेशन इन द लेप्टिन जीन या फिर रिसेप्टर और रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन आल्दो आर रेयर मे कॉज मैसिव ओबेसिटी। मोर कॉमन आर द म्यूटेशंस इन द मेलानोकॉर्टिन रिसेप्टर 4 जीन MC4R जीन में, उनमें म्यूटेशंस होती है जो 4-5% पेशेंट में होती है विथ मैसिव ओबेसिटी। एज मेंशन अर्लियर MSH जो है ना वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेंड करता है सेटाइटी सिग्नल बाय बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर। ये मोनोजेनिक ट्रेट अंडरस्कोर करता है इंपॉर्टेंस ऑफ लेप्टिन पाथवे इन द कंट्रोल ऑफ बॉडी वेट, और ये पॉसिबल है कि इवन मोर कॉमन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन दिस पाथवे विल बी डिस्कवर्ड इन द ओबीज।
इन क्लोजिंग इट शुड बी मैंशनड के लाइक लेप्टिन इंसुलिन भी एनोरेक्सीजेनिक रिस्पॉन्स एग्जर्ट करता है. हाउएवर मैकेनिज्म इफेक्ट ऑफ इंसुलिन का लेस क्लियर है एंड मोस्ट ऑफ द एविडेंस सजेस्ट करते हैं प्राइमेसी लेप्टिन की इन रेगुलेशन ऑफ द एडिपोसिटी. लेप्टिन ही ज़्यादातर एडिपोसिटी को रेगुलेट करता है. अब हम पढ़ते हैं एडिपोनेक्टिन. एडिपोनेक्टिन ना एडिपोस टिश्यू से प्रोड्यूस होता है और इसको फैट बर्निंग मॉलिक्यूल कहा जाता है एंड द गार्डियन एंजल अगेंस्ट ओबेसिटी भी कहा जाता है. ये डायरेक्ट करता है फैटी एसिड्स को टू द मसल्स फॉर देयर ऑक्सीडेशंस के लिए. यानी फैटी एसिड्स को डायरेक्ट करेगा मसल की तरफ उनके ऑक्सीडेशन के लिए. तो ये कम करता है इन्फ्लक्स फैटी एसिड्स का लिवर की तरफ एंड टोटल हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड कंटेंट को भी कम करता है. ये आल्सो कम करता है ग्लूकोज की प्रोडक्शन हमारे लिवर से. तो ये इंक्रीज करेगा इंसुलिन की सेंसिटिविटी और प्रोटेक्ट करेगा हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम से. इन एडिशन टू इट्स मेटाबॉलिक इफेक्ट एडिपोनेक्टिन को एंटी डायबिटिक एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एथेरोजेनिक एंटी प्रोलीफरेटिव और कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स हैं. तो बहुत अच्छा है. सीरम लेवल्स लोअर होते हैं इसके ओबीस में देन इन द लीन इंडिविजुअल्स में. ये इफेक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं टू ओबेसिटी एसोसिएटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से. नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से भी उनमें कम होता है और पॉसिबली ये रिस्क बढ़ा देता है सर्टेन कैंसर्स का. एडिपोस टिश्यूज एंड अदर मेडिएटर्स पढ़ लेते हैं अब. इन एडिशन टू द लेप्टिन एंड एडिपोनेक्टिन एडिपोस टिश्यू ना प्रोड्यूस करता है कुछ मेडिएटर्स अदर्स जैसे साइटोकाइंस हो गए कीमोकाइंस स्टीरॉयड हार्मोन्स जो ना एडिपोस टिश्यू को अलाउ करता है कि वो फंक्शन करे लिंक की तरह बिटवीन द लिपिड के मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिशन और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. टोटल नंबर हमारे एडिपोसाइट्स का एस्टेब्लिश होता है बाय द टाइम ऑफ एडोलेसेंस और ये हायर होता है उन पीपल में जो ओबीस होते हैं एज चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग अनदर रीजन फॉर कंसर्न अबाउट द चाइल्डहुड ओबेसिटी. ऑल्दो एडल्ट अप्रॉक्सीमेटली 10% एडिपोसाइट्स टर्न ओवर होते हैं एनुअली नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स रिमेन रहते हैं कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द इंडिविजुअल्स बॉडी मास. डाइट फेल करती है इन पार्ट क्योंकि लॉस ऑफ फैट फ्रॉम द एडिपोसाइट्स कॉज कराता है लेप्टिन लेवल का टू फॉल और स्टिमुलेट करता है एपेटाइट को डिमिनिश कर देता है एनर्जी एक्सपेंडिचर को. गट हार्मोन्स पढ़ने तो गट हार्मोन जो है रैपिडली जो है वो एक्टिंग इनिशिएटर्स हैं और टर्मिनेटर्स हैं वॉयलेशनल ईटिंग का. वॉलिशनल ईटिंग के ये रैपिडली एक्टिंग इनिशिएटर एंड टर्मिनेटर हैं. प्रोटोटिपिकल एग्जांपल हैं घ्रेलिन एंड पेप्टाइड वाई. घ्रेलिन प्रोड्यूस होता है स्टमक से और आर्कोएट न्यूक्लियस से इन द हाइपोथैलेमस. ये बढ़ाता है हमारे फूड का इंटेक एक्ट करता है मोस्ट लाइकली बाय स्टिमुलेट करता है NPYAGRP न्यूरॉन्स को इन द हाइपोथैलेमस. इनको स्टिमुलेट करेगा घ्रेलिन जो है ना इसके लेवल नॉर्मली बढ़ जाते हैं हमारे बिफोर द मील और ये कम हो जाते हैं 1 to 2 hours आफ्टरवर्ड. ये ड्रॉप एटेन्यूएट होता है ओबीस लोगों में. ग्रेलिन लेवल कम होते हैं ओबीस में एज कम्पेयर टू द दोस्त जिनका नॉर्मल वेट होता है और ये इंक्रीज विद द रिडक्शन इन द ओबेसिटी से ये बढ़ जाता है इसके लेवल. इंटरेस्टिंगली राइज ग्रेलिन लेवल का ज़्यादा कम हो जाता है इंडिविजुअल्स में जिनके गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी. ये सजेस्ट करता है कि बेनिफिशियल इफेक्ट इस तरह की सर्जरी में भी इन पार्ट ड्यू टू द रिड्यूस